हरे कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि यदि आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, आपके घर में बरकत नहीं है, बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी आप उस पैसे को अच्छे ढंग से भोग नहीं पाते, उसका आनंद नहीं उठा पाते, एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उसका क्या कारण है और किस वजह से आपको ये समस्या आती है। कुछ घर के अंदर वास्तु दोष होते हैं। मैं यहाँ पर जो वास्तु दोष का कारण बताऊंगा जिस वजह से आपके घर में बरकत नहीं है या पैसा जो भी आता है उसको आप भोग नहीं पाते, कौन सा कारण है और उसका उपाय क्या है। दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आपने किसी तरह के और वीडियोस देखने हैं ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से आप भी अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, जिससे कि हमारे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको प्राप्त होते जाएं। तो सबसे पहले आप अपने घर के अंदर क्या करें कि यदि कोई कबूतर का घोंसला आपके घर के अंदर है तो आप उसको तुरंत हटाएं। मन के अंदर यह भी प्रश्न आता है कि यदि उस घोंसले के अंदर यदि कबूतर ने बच्चे दिए हैं या वहां पर अंडे हैं तो क्या उनको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, तो मेरा आपको जवाब यही है कि आप उस घोंसले को या तो कुछ दिन इंतजार कर लें और जैसे ही वो बच्चे बड़े हों तो तुरंत उस घोंसले को हटा दीजिए। यदि आपको अभी लगता है कि नहीं अभी बच्चे नहीं हैं और अंडे वहाँ पर हैं तो आप क्या करें, अभी उनको कुछ दिन और रहने दें, लेकिन जितना जल्दी हो सके, संभव हो तो आप उनको वहाँ से तुरंत हटा दें, एक बात। दूसरी बात, जो वास्तु दोष आपके घर में हो सकता है वो है मधुमक्खी का जाला होना, छत्ता होना। यदि आपके घर के अंदर, बालकनी के अंदर या जो भी आपकी जगह है उस दायरे में यदि कोई भी मधुमक्खी का छत्ता है तो उसको आप तुरंत वहां से हटा दें। यदि आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है तो ये भी बीमारी का कारण होता है और दरिद्री का कारण होता है। तीसरी बात, यदि आपके घर के अंदर चमगादड़ आते हो या चमगादड़ों ने अपना स्थान बना लिया हो तो आप तुरंत उनको हटाइए, क्योंकि चमगादड़ों का घर में रहना भी कोई गंभीर बीमारी का संकेत होता है और इससे पता चलता है कि घर के अंदर न केवल गंभीर बीमारी होगी, यह दरिद्री का भी कारण होता है। यहां पर मैंने आपको तीन कारण बताए जिसकी वजह से आपके घर में बीमारी और दरिद्री आ सकती है। दोस्तों ज्योतिष और वास्तु के अनुसार कुछ सिम्टम होते हैं जिनको देखकर हमारी सफलता और असफलता के बारे में पहले से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां पर मैंने आपको तीन जो कारण बताए वो दरिद्री, बीमारी और कर्ज के कारण बताए। अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि ऐसा है और इसकी जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में काफी दिनों से बनी हुई थी, आपने क्या किया, कबूतर का जो घोंसला था वहां से हटा दिया आपने, दूसरी बात जो आपने की वहां से चमगादड़ जो घर में स्थान बना रहे थे उनको भी हटा दिया, मधुमक्खी का जो छत्ता था उसको भी हटा दिया, लेकिन हटाने के बाद भी उसकी नेगेटिव एनर्जी वहां पर बनी रहती है। आपको प्रयास करना चाहिए कि आप झाड़ू से या ब्रश से उन जहां जहां वो चीजें थी उसको अच्छे ढंग से साफ करें और फिनाइल या किसी भी चीज से जिसे आप सफाई करते हैं उससे वहां पर स्प्रे करते हैं, जिससे कि उस जगह की भी और आसपास की भी सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाए। और घर के अंदर प्रयास करें गूगल या फिर तुलसी के पत्ते, गूगल की धूप आप जलाएं और संभव हो तो उसमें सूखे तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते आदि डालकर
तुलसी नीम यदि ये दो पत्ते आप डाल के करते हैं तो इससे वहां की जो नेगेटिव एनर्जी बनी हुई थी वो सारी दूर हो जाएगी। ये वास्तु टिप्स मैंने आपको बताया, वास्तु उपाय बताए, यदि आप इसको करेंगे तो देखेंगे कि आपके घर से नेगेटिव एनर्जी चली गई है और जो काफी दिनों से गंभीर बीमारी, कर्जा और जो दरिद्री बनी हुई थी वो धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाएगी। हरे कृष्ण।